स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं और आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं बसों का वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम जिस बस का वीडियो बनाएंगे उस बस का नाम दिव्या रथ है और उस बस की अगर हम बात करें तो स्पेशली फॉर टूरिस्ट के लिए वो बसें चलती हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो बस लगी है। इस बस की अगर हम बात करें तो इस बस को आप कहीं के लिए भी बुक कर सकते हैं। एक्चुअली ये बस जो है वो बिल्कुल न्यू बस है और ये पटना से ऑल ओवर इंडिया के किसी भी लोकेशन के लिए आप बुक करके इसे ले जा सकते हैं। हाँ, है ना अंकल, ऑल ओवर इंडिया के लिए आराम से इसे बुक करके ले जा सकते हैं, है ना। आ कॉन्टेक्ट नंबर आपको हम इस वीडियो में दे देंगे, आप उस पर कॉल करके आप आराम से इस बस को बुक कर सकते हैं। और इस बस की अगर हम बात करें तो ये बस चाणक्य होटल के पास आर ब्लॉक के पास पटना में ये लगी रहती है और इसका ऑफिस जो है वो कंकड़बाग में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको दिव्या रथ की टूरिस्ट बस। आप मेरे सामने देख सकते हैं टूरिस्ट बस लगी है। एक्चुअली ये दिव्या रथ बस है जिसका नाम दिव्या रथ है और सामने में आपको टूरिस्ट लिखा हुआ है और उसके बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पे एसी लग्जरी बस लिखा हुआ है। दोनों साइड में अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं साइड मिरर दिया हुआ है और आगे में विंडशील्ड ग्लास है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे वाइपर दिया हुआ है। ये स्नो गिरे ठंड के दिन में या फिर बारिश के मौसम में पानी गिरे तो उसको वाइपर के थ्रू ये साफ़ करते रहता है, जिसके लिए वाइपर दिया गया है। और नीचे में आप देख सकते हैं सूरज कंपनी की लोगो लगी हुई है और उसके नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बस का लाइसेंस प्लेट दिया हुआ है। अगर बस में अगर इस साइड आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज कंपनी ने इस बस की बॉडी बिल्डिंग को बनाया है तो यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका साइड लैम्प, मेन इसका लैम्प दिया हुआ है और नीचे में फॉग लाइट इसमें दिया हुआ है। अब अगर बस में अगर साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं बस का जो साइड डिज़ाइन है वो कितना अच्छा इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। एक्चुअली ये डार्क ग्रे, लाइट ग्रे में और ब्लैक में इसका डिज़ाइन काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर दिव्या रथ लिखा हुआ है। एक्चुअली ये दिव्या रथ जो कंपनी है उसी की बस है। अब हम थोड़ा सा अगर पीछे की ओर आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अगर हम पीछे की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं पीछे में भी काफ़ी शानदार यहाँ पे दिव्या रथ लिखा हुआ है और पीछे में इसका कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट मिल जाएगा। यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है, अगर ऊपर सामान रखना हो या चढ़ना हो तो यहाँ से आप सीढ़ी के थ्रू ऊपर चढ़ सकते हैं। और इस बस के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एसी मिलेगा, सिक्योरिटी ब्रेक है, पुशबैक है, म्यूज़िक है और मोबाइल चार्जर, ये सारे चीज़ें इस बस के अंदर हैं। और बगल में अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं रिवर्स लैम्प, इंडिकेटर लैम्प और ब्रेक लैम्प यहाँ पे दिया हुआ है। ये है लगेज बॉक्स और आप देख सकते हैं बस का लगेज बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी बिल्कुल खाली है। एक्चुअली ये जो बस है वो बुकिंग में चलती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इस बस के टूरिस्ट जो जाते हैं बस को बुक करके तो यहाँ पे सामान रख के वो अपना सफ़र आराम से पूरा कर सकते हैं। तो ये है इस बस का लगेज बॉक्स। चलिए अब चलते हैं बस के अंदर और दिखाते हैं आपको बस का इंटीरियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टेप बने हुए हैं और यहाँ पे आप लाइटिंग देख सकते हैं कितना सुंदर इसके स्टेप पे लाइटिंग बने हुए हैं। और अभी हम आ गए हैं बस के अंदर और आप देख सकते हैं बस का कितना शानदार इंटीरियर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाहर से सन लाइट आ रहा है तो अंदर की लाइटिंग थोड़ा सा फिर भी कंपैरिजन टू नाइट अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना शानदार अंदर की लाइटिंग है। अब चलिए हम थोड़ा सा इस बस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर 2 सीट है और इधर 1 सीट है तो ये 2x1 का ये बस है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे,
और आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा इस बस के अंदर। और थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शानदार सा आपको लाइट दिखेगा जिसके अंदर में रिंग बना हुआ है। काफ़ी सुंदर आपको लाइट ये दिख रहा होगा। आगे में भी आप देख सकते हैं वहाँ पे राउंड राउंड करके लाइट दिया हुआ है। और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक स्पीकर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और इस साइड आप देखिएगा तो क्या शानदार सामान रखने के लिए ये जगह है। बस बिल्कुल न्यू है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एसी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सीट के ऊपर भी एसी पॉइंट है, लेकिन इसकी हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले हम इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे एक और स्पीकर है, यहाँ पे हवा रोटेशन का यहाँ पे जगह दिया हुआ है। और अगर हम नीचे की ओर अगर हम देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं कालीन बिछा हुआ है और काफ़ी सफाई है इस बस के अंदर। अब थोड़ा सा पीछे की ओर आएंगे तो पीछे वाला जो सीट है वो आप देख सकते हैं एक बिल्कुल ही एक ही में लगा हुआ सीट है, बाकी जो सीटें हैं वो सेपरेट हैं। और पीछे में एक यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आगे में वहाँ पे आपको एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा होगा। और सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक डब्बे टाइप का, एक्चुअली इसमें से स्प्रे होते रहता है और बस के अंदर की जो है स्मेल खुशबू अच्छी बनी रहती है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक LCD स्क्रीन है। सफ़र के दौरान आप इसमें वीडियो के साथ म्यूजिक का भी मज़ा ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बस का इंटीरियर दिखाया, अब चलिए हम थोड़ा सा बस के सीट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साइड यहाँ पे डबल सीटर जो है, चलिए मैं सबसे पहले इस पे बैठता हूँ। अगर हम सीट की बात करेंगे ना तो आप देख सकते हैं सीट का जो यहाँ पे चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आप अगर एक नॉर्मल आपका वेट है बॉडी का, अगर नॉर्मल अगर आप हैं तो आपके लिए काफ़ी चौड़ा है। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी मोटे होते हैं ना उनके लिए भी ये सीट काफ़ी अच्छी है। और सीट की सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हैंड होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है आर्म रेस्ट के लिए, आर्म रेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे रख के आप आराम से बैठ सकते हैं, अगर आपको बैठने का मन ना हो तो आप इसको उठा भी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको एक पुश बैक बटन मिल जाएगा। जब हम इस बटन को दबा के पीछे की ओर धक्का देंगे तो ये सीट आप देख सकते हैं पीछे की ओर आ जाएगी और काफ़ी कंफर्ट है ये। और ऐसे आप अगर पीछे की ओर आ जाते हैं और आगे के साइड में आप देख सकते हैं फुटरेस्ट वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे पैर रख के और अगर आप पीछे की ओर ऐसे आ जाते हैं तो आप आराम से इस पर लेट भी सकते हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो सेमी स्लीपर है। उसके बाद अगर आपको बैठने का मन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसी वाले ब्लैक वाले बटन को अगर आप दबाइएगा तो सीट आगे की ओर आ जाएगी और आप सीधा होके इस पे बैठ भी सकते हैं। सेम अगर हम बात करेंगे तो सेम सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी आ गया हूँ सिंगल सीटर पे। अगर आपको डबल सीट पे बैठने का मन ना करे, अगर आप फैमिली के साथ ना हो, अगर अकेला हो, तो आराम से आप इस पे सिंगल सीट पे बैठ सकते हैं। और सेम फंक्शनलिटी इसमें भी है, इसमें भी पुश बैक यहाँ पे बटन है, आराम से पीछे की ओर धकेल सकते हैं। और अगर आपको बैठने का मन करे सीधा, तो अगर लेटने टाइप का मन ना करे, सीधा बैठने का मन करे, तो इस बटन को आप दबा सकते हैं, सीट आगे आ जाएगी और आप इस पे आराम से बैठ सकते हैं। अब चलिए हम इस बस में थोड़ा सा ऊपर की ओर यहाँ पर लाइटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आइएगा तो आप देख सकते हैं ये आपको AC बटन है, यहाँ पे एक AC बटन यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगा जिसका बटन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दूसरा रीडिंग लाइट यहाँ पे है और जिसका बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये है इसके अगल बगल में आपको देख सकते हैं एक डॉट डॉट टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्पीकर टाइप का, तो ये स्पीकर ही हैं, इसमें आप म्यूजिक का मज़ा ले सकते हैं। आगे LCD स्क्रीन पर वीडियो चलेगी और इसके अंदर आप म्यूजिक का मज़ा ले सकते हैं। और ये लाइट अगर आपको जलाना ना हो तो यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये है इस बस का इंटीरियर जिसका मैं आपको बात कर रहा था, मैंने आपको डबल सीटर और सिंगल सीटर के बारे में भी मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद अगर हम
इस साइड अगर आएंगे जो सामान रखा रहता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको एसी बैंड दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इस बस में बहुत सारे एसी बैंड है। देख सकते हैं यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है। एक्चुअली बस की जो बॉडी बिल्डिंग है वो सूरज कंपनी ने बनाई है। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए दिया हुआ है, पीछे से आप पकड़ सकते हैं। अगर कहीं आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, बस हिलती है तो यहाँ से पकड़ सकते हैं। ऐसे बस एयर सस्पेंशन है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा बोतल को रोकने के लिए, और यहाँ पे आपको एक फाइल रखने के लिए मिल जाएगा, और पीछे में सीट नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप आराम से पैर रख के पीछे लेट सकते हैं। बस के इंटीरियर को दिखाने के बाद चलिए हम इस बस का केबिन आपको दिखाते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है इस बस का केबिन, और केबिन की अगर बात करेंगे तो काफ़ी शानदार केबिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस का गियर सिस्टम है, और वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्चुअली बस का जो चेसिस है वो टाटा कंपनी की है, तो यहाँ पे टाटा का लोगो लगा हुआ है। और बस का जो बॉडी बिल्डिंग है वो सूरज कंपनी ने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर, किलोमीटर, यूरिया मीटर, और यहाँ पे एसी का मीटर सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर केबिन में अगर हम बात करेंगे तो वो ड्राइवर का सीट है, और उसके बगल में जस्ट बोतल रखने के लिए बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं बोतलें भी रखी हुई हैं। और ये है फर्स्ट एड किट। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, और एक कैमरा वहाँ पे नीचे मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारा बटन है जो गाड़ी के अंदर का जो स्विच है। यहाँ पे पंखा है और आगे में लाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर दिया हुआ है, और ये ऑटो गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है इस बस का केबिन जिसको मैंने आपको दिखा दिया। तो बुकिंग के लिए है दिव्या रथ की ऑफिस है कंकड़बाग में अशोक नगर, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर आप 7070501005, दूसरा नंबर 9334043581। ये गाड़ी आर ब्लॉक चाणक्या होटल के बगल कौटिल्या होटल है, उसी के बगल में गाड़ी खड़ी रहती है। जब भी बुकिंग से आती है तो यहीं इसका स्टैंड है, आप यहां पर आकर संपर्क कर सकते हैं। कंकड़बाग में भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी टाइप के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।